देखिए साहब, मैं दूसरी बार बनारस आया हूँ और ये वक्त किसी भी तरह से हंसने का वक्त नहीं होता, सिवाय मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं, अदरवाइज सभी रोते हैं या सो रहे होते हैं। मैं स्कूल में हूँ और स्कूल के ताल्लुक से एक किस्सा याद आ गया। बायोलॉजी के ईगो थोड़ी सी कम भाई, बायोलॉजी के एक गुरुजी ने चूहे के सामने एक तरफ चूहियाँ रखी और दूसरी तरफ केक रखा बहुत अच्छा सा बनाकर, और फिर चूहे को छोड़ा गया तो चूहा दौड़कर केक के पास आया। फिर अगली बार गुरुजी ने केक की जगह एक डबल रोटी रख दी, रस रख दिया, चूहा फिर दौड़कर रस के पास आया, चूहिया के पास नहीं आया। तीसरी बार उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा रख दिया कि शायद अब कुछ परिवर्तन आए, चूहा फिर दौड़ा और दौड़कर रोटी के पास आया। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आज साबित हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो भूख है। भूख, प्रेम व्रेम नहीं होता कुछ भी, सब भूख होती है। सही बात। आगे सुनिए, वहां सावन शुक्ला बैठे थे, बस बोले के गुरु जी एक बार चुइयां भी बदल कर देख लेते। ये अच्छा था, एक बार चुइयां भी बदल के देख लेते, हर बार डबल रोटी केक बदल रहे हो। देखेंगे हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, हर तरफ डंका बजेगा, हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम, बस तुम्हारे नाम का। भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। वाह वाह। रात क्या चूम कर कह रही थी? टकला। हाँ, टकला भी चूमा जाता है, जिनके बाल उड़ रहे हैं उनके लिए खबर है ये। हाँ, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। हमारे मोहल्ले में वो एक लड़की के लिए सलमान खान का रिश्ता आया। बाप रे। लड़की राजी, तड़प रही थी बेचारी सलमान खान, ओए अल्लाह। लेकिन उसकी अम्मा ने मना कर दिया लड़की की, सबने कहा ये भी खाला, सलमान खान का रिश्ता आया है, तुम क्यों मना कर रही हो, सब राजी हैं। बोलिए किस मुंह से हाँ करूं, 20 साल पहले मेरे लिए भी आया था। तो होता ये कि लड़कियां ख्वाब देखती हैं कि उन्हें सलमान मिलेगा, ऋतिक रोशन मिलेगा, टाइगर श्रॉफ मिलेगा। मेरी तरफ देखा आपने? लेकिन हाँ, विनीत भाई मिलेंगे हमारे। नहीं, मुस्कुरा सकते हो भाई इस पर, तो विनीत भाई की बात, ये भी चुटकुला है। लेकिन सलमान खान को खुद कुछ नहीं मिला अब तक, उन बेचारियों को क्या मिलेगा। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, वाह। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। अच्छा है। वाह 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 वाह। बाद में लड़कियों को कहने दो, लगन होना ही है। बहुत भाव दिखाती हैं लड़कियां। वाह। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। लड़कियां, कुछ दुख रहा है? अच्छा, ठीक है, मुझे लगा कुछ दुख रहा है। हाँ, ये जिंदाबाद। ये लड़कियां जो हैं वो मना कर देती हैं लड़कों को बिना देखे बिना सोचे समझे, उनका अंजाम क्या होता है ये देख लें जरा। जी। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा। जी। पेट
निकला हुआ आंखों पे, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। अरे वाह, उसके शौहर को देखे तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। लड़के बहुत से पूरे पूरे दिन मुंह में गुटखा जबाकर, और वो पिचके हुए, वो पीछे क्या होते हैं, हाँ टांगे, वो घूमते हैं और ये सोचते हैं कि लड़कियां उनसे इम्प्रेस हो जाएंगी, तो मुंह में गुटके को दबाकर घर से निकले शेर खां। घर से निकले शेर खां स्प्लेंडर के मिरर में खुद को एक चुम्मा दिया। स्प्लेंडर के मिरर में खुद को एक चुम्मा दिया, मुस्कुराकर हर किसी लड़की पे भी डाली नजर, और जो दीवार देखी उस पे पुछ 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 किया। अच्छा, और जो दीवार देखी, और जो दीवार देखी उस पे पुछ 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 किया। अब मैं, अगर इजाजत हो सर, एक नज्म जो आप लड़कों के, खासकर जो नौजवान साथी हैं, एक नॉस्टैल्जिया है वो काम आएगी, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। शायद फिर तसव्वुर में मोहब्बत के फसाने आ गए, याद फिर से आज कॉलेज के जमाने आ गए, खूबसूरत जिंदगी के लुत्फ थे हासिल हमें, मौज दरिया की समझती थी फकत साहिल हमें, आज माजी की अनस सब खुल रही हैं खिड़कियां, जी याद फिर से आ रही हैं खूबसूरत लड़कियां, याद फिर से आ रही हैं उसको आ गई यार खूबसूरत लड़कियां, अब वो याद आ गई, आज भी जाकर ठहरती है नजर उस नाफ पर, आज भी जाकर ठहरती है नजर उस नाफ पर, ज़हनो दिल पर गर्दिशें करता है वो जीरो फिगर, ज़हनो दिल पर गर्दिशें करता है वो जीरो फिगर, आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, कोई उड़ती फिर रही है आज भी स्कर्ट में, आज भी मुझको दिसंबर का महीना याद है, छत पे कॉलेज की जो जाता था वो जीना याद है, आज भी मैं उड़ रहा हूँ इश्क के स्काई पर, हाथ में है हाथ उनका और सर है थाई पर, क्या मजा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में, क्या मजा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में, गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम में, गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम में, अब हालात बदल रहे हैं, हाल लेकिन दोस्तों माजी से होता है जुदा, खुश फूलों पर कोई बुलबुल नहीं होता फिदा, आज उन सब महजबीनों में नहीं है कुछ भी दम, आज उन सब महजबीनों में नहीं है कुछ भी दम, गौर से गर देखिए तो हो गई है सुतली बम। सुतली बम, गौर से अगर देखिए तो सुतली बम का जवाब हो गई है सुतली बम, इस तरह से बीच रस्ते पर वो चलती है अनस, झील के साहिल पर जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। अच्छा अच्छा, झील के ऑक्टोपस अच्छा लाया, बहुत अच्छे अनस और ऑक्टोपस,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। इस तरह से बीच रास्ते पर वो चलती हैं अनस, झील के साहिल पे जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। फेसबुक पर जब कभी अपलोड करती हैं वो पिक, ऐसा लगता है किसी ने जोर से मारी है किक। हाँ। हुस्न वाले इस तरह कंगाल हो जाएंगे सब, ये किसे मालूम था, पामाल हो जाएंगे सब। अब मचलती ही नहीं है उनके ऊपर तितलियां, अब मचलती ही नहीं है उनके ऊपर तितलियां। फूल गोभी हो गई है फूल जैसी लड़कियां।